ये मजेदार जूसी जूसी से सीख कबाब जिसको मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में बहुत ही इजी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए ये 1 किलो चॉप हुआ मटन लेंगे। ये कुछ मैंने सूखे मसाले लिए हैं, 50 ग्राम भुने हुए चने का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कटी हुई बारीक अदरक, 4 कटी हुई हरी मिर्च और ये कुछ पत्ते हरे धनिए के, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और ये 1 पिंच गरम मसाला। और ये सारे मसालों को हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये मटन के साथ चने का पाउडर डाला है, आप इसकी जगह पर बेसन को भून कर भी डाल सकती हैं, लो फ्लेम पर भून लें और उसको छान लें। आपके पास अगर बारीक चॉप हुआ मटन है तो आप ऐसी कबाब बना लें। ये मेरे पास थोड़ा रफली चॉप हुआ मटन है तो मैं इसको एक इलेक्ट्रिक जार में डालकर इसको फाइन बना लूँगी। मटन भी बढ़िया से चॉप हो गया है। एक पैन या एक कढ़ाई को हम देसी घी से ग्रीस करेंगे और 2 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। ये हम इस टाइप की कोई स्टिक ले लेंगे, मोटी पतली जैसी भी स्टिक आपके पास हो वो ले लें। ये मैंने आयरन वाली स्टिक ली है कबाब बनाने के लिए। और ये हाथ पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और ये नींबू का जितना मटन लेंगे और टाइट हाथ से इसको ऐसे दबाएंगे। ये स्टिक है जो हमारी, इस पर हम मटन को लगाकर सेट करते जाएंगे, ऐसे बिल्कुल टाइट हाथ से हम इसको सेट करेंगे। और ये बिल्कुल आहिस्ता से कबाब को हम स्टिक से बाहर निकालेंगे और पैन में आराम से लगा देंगे इसको शेप देकर। और इसी तरह से हम ये सारे कबाब स्टिक में बना बनाकर पैन में लगाते रहेंगे एक साइड पर और बीच बीच में हम इसको फ्लिप करते रहेंगे। नॉन स्टिक में अगर आप कबाब नहीं बना रहे हैं तो क्या करें, कोई भी जो आपके पास कढ़ाई या पैन है तो उसको नमक वाले पानी से कोट कर दें और ऑयल लगा दें उस पर थोड़ा सा और टिश्यू पेपर से उसको साफ कर दें, फिर से ऑयल से ग्रीस करें और कबाब इसी तरीके से बना लें। बिल्कुल वैसे ही गोल्डन ब्राउन जूसी कबाब तैयार होंगे और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो गए हैं, कबाब को हम फिर से फ्लिप कर देंगे। और ये हमारे जूसी जूसी से पैन कबाब बनकर तैयार हैं। और भी जूसी बनाने के लिए ये थोड़ा सा देसी घी भी हम लगा देते हैं ऊपर से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।